वेलकम फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डीजल मैकेनिक में। तो फ्रेंड, आज हमारे पास टाटा BS4 सिग्ना गाड़ी आई हुई है, जो कि हमारे पास ये कुछ ज़्यादा खास प्रॉब्लम के लिए नहीं आई हुई है। ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि ऑयल लीकेज हो रहा है इसका। इसके लिए हम लोगों ने टाइमिंग प्लेट खोला है इसका, ठीक है। तो टाइमिंग प्लेट खोला है तो आप लोगों को पता ही होगा कि BS4 जो हमारा सिग्ना गाड़ी है उसमें खास कुछ अलग टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसमें टाइमिंग का क्या लोचा है, क्या है टाइमिंग इसका, पहले जैसा है कि अलग है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इसका जो पंप है वो अलग है, ठीक है। और इसका पंप जो है बिना टाइमिंग का आप लोग फिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने पंप खोला है तो उसको बिना टाइमिंग का फिटिंग कर सकते हैं, कोई टाइमिंग मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सी का निशान भी पहले से कंपनी ने दिया हुआ है, उस पर पीले कलर का ये हमारी दिया हुआ लकीर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कंपनी ने पेंट मारा हुआ है, जो कि पेंट बोलते हैं हम लोग। और ये हम लोग देख लेंगे इसको टाइमिंग घुमाकर। और इसका पंप का जो नट है 27 नंबर का आएगा, ये देखिए। दूसरा है X दिया हुआ है, उसके बाद 00 भी दिया हुआ है, यहाँ पे 00 भी दिया हुआ है। और देखते हैं क्रैंक में 210 भी दिया हुआ है। तो हम इसको पूरा टाइमिंग मिलाकर इसको सेट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे इसका टाइमिंग का क्या अलग सिस्टम दिया हुआ है और क्या इसमें अलग है कि नहीं है, इसमें बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप लोग बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और किसी फ्रेंड को डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल SMS कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, वहां से मुझे कॉल SMS कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैं टाइमिंग घुमा रहा हूँ, इसको मिलाकर इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कभी भी आप लोग इसका पंप खोलते हो, चाहे टाटा की गाड़ी हो, लेलन हो, महिंद्रा हो, अभी तक मैंने 3 गाड़ियों का पंप खोला है BS4 में, जिसको टाइमिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बिना टाइमिंग के आप लोग मिला सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे आप लोग कि मैं इसको टाइमिंग मिला रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि टाइमिंग का क्या है इसमें। ये हमारे पास गाड़ी आई है गाइड प्लेट और टाइमिंग प्लेट से जो ऑयल लीकेज था इसके कारण आया हुआ है। तो गाइड प्लेट तो आप लोग खोल ही सकते हैं, आप लोगों को पता ही होगा इसमें बहुत तकलीफ दिया हुआ है गाइड प्लेट खोलने में, आप लोगों को ECM फिल्टर ये सब हटाने पड़ेंगे। हम लोगों ने भी खोला है तो चलिए इसका हमने टाइमिंग सेट कर लिया है इंजन पम्प दोनों का। तो ये गेयर का टाइमिंग दिखाता हूँ आपको, जो पम्प का गेयर है उसका भी टाइमिंग ये देखिए। क्रैंक पे 10 है और कैम साफ्ट पे 00 पहले जैसा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो पंप का टाइमिंग के लिए दिया हुआ है X दिया हुआ है और जो हमारा पंप का गियर जो आता है उसमें C दिया हुआ है, तो पहले जैसा C ही है। और जो कैम साफ्ट है उसके गियर में थोड़ा अलग दिया हुआ है, चेंजिंग X दिया हुआ है, ठीक है। X दिया हुआ है जो कि ये टाइमिंग यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे इंजन का देख सकते हैं कि क्रैंक में भी ढोल दिया हुआ है, जो हमारा क्रैंक में पुल्ली लगता है मेन पुल्ली उसमें भी ढोल दिया हुआ है, देख सकते हैं। पिन 1 दिया हुआ है जो कि ये पिन में हमारा मेन पुल्ली जो है बैठ जाएगा। ये देखिए X और C मिलाना है इसको। और जैसे कभी आप लोग BS4 का पंप आप लोग खोलते भी है तो बिना टाइमिंग का फिटिंग कर सकते हैं, बाकी सब सिस्टम वही दिया हुआ है, ठीक है ना। BS4 का पंप आप लोग कभी भी खोले हैं, चाहे लेलन, टाटा, महिंद्रा, बिना टाइमिंग को उसको फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। C पंप के गियर में C दिया हुआ है और कैम सपोर्ट में X दिया हुआ है, X बनाया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए इंजन टाइमिंग मिलाने के लिए कैम सपोर्ट में 00 है और क्रैंक में 10 है, पहले जैसा ही है। बाकी तो हमारा ऑयल पंप जो है पहले वाला ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो यही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोग को जानकारी हो सके और पता भी चल सके। फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग, ठीक है फ्रेंड। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। ये देख सकते हैं कि BS4 गाड़ी है टाटा की, इसका हम लोगों ने टाइमिंग प्लेट खोला है, गाइड प्लेट खोला है सिर्फ ऑयल लीकेज के लिए। और क्रैंक जो है थोड़ा अलग दिया हुआ है क्योंकि इसमें ढोल दिया हुआ है, पहले वाले क्रैंक में ढोल नहीं आता था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बार बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है।
तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे।